नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए बहुत ही बड़ी न्यूज है इंडिया के लिए और इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शंस के लिए और लिथियम आयन बैटरीज के लिए। रिसेंटली 9 फरवरी को भारत सरकार की माइनिंग मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री इंडिया में बहुत बड़े लिथियम के भंडार को खोजा गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने, भारत के इतिहास में पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए हैं। और देखिए, लिथियम के इस भंडार की खोज की है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भारत के जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू रीजन के रियासी डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 5.9 मिलियन टन के लिथियम रिजर्व पाए गए हैं। और ये एकदम कंफर्म न्यूज है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसके बारे में आर्टिकल छपा है और लिटरली इंडिया में इस खबर को काफी सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये है भी काफी बड़ी डिस्कवरी। देखिए, लिथियम के जो भंडार हैं जिन्हें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है, ये पाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल हैमाना एरिया में। और ऐसा माना जा रहा है कि इस रिजर्व के पाए जाने के बाद इंडिया की जो डिपेंडेंस है लिथियम के लिए अदर कंट्रीज पर, वो शायद थोड़ा कम हो जाएगी या हो सकता है खत्म ही हो जाए। देखिए, फिलहाल इंडिया जितना भी लिथियम यूज करता है वो मेनली अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट किया जाता है और मेनली अर्जेंटीना से या ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि आज तक इंडिया में लिथियम के भंडार नहीं पाए गए थे और इसीलिए इंडिया में लिथियम का प्रोडक्शन भी ना के बराबर था। लेकिन आज की डेट में लिथियम है बहुत क्रूशियल। देखिए, लिथियम एक केमिकल एलिमेंट है विद ए सिंबल ऑफ Li और एटॉमिक नंबर 3। ये काफी सॉफ्ट होता है, दिखने में इसका कलर होता है सिल्वर व्हाइट और इसे कहा जाता है एल्कली मेटल। स्टैंडर्ड कंडीशन में लिथियम सबसे कम डेंस मेटल होता है और सबसे कम डेंस सॉलिड एलिमेंट। ये हाईली रिएक्टिव होता है और फ्लेमेबल होता है और इसीलिए इसको स्टोर करना पड़ता है वैक्यूम में। अब देखें, वैसे तो लिथियम के कई सारे यूज हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, लेकिन इसका आज की डेट में जो सबसे क्रूशियल यूज है वो है लिथियम आयन बैटरीज में। हालांकि अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, जैसे कि सिरेमिक एंड ग्लास, ल्यूब्रिकेटिंग ग्रीसेस, कंटिन्यूअस कास्टिंग, एयर ट्रीटमेंट, पॉलीमर्स, प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शंस, फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है लिथियम आयन बैटरीज को लेकर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड फिलहाल मूव कर रहा है एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ। हर कंट्री ये प्रयास कर रही है कि फॉसिल फ्यूल से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और दुनिया में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज हों। भारत सरकार खुद इस बात पर काफी जोर दे रही है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट भी रखा है कि भारत में 2030 तक जितने भी व्हीकल्स होंगे उनमें से 30% इलेक्ट्रिकल होंगे। फिलहाल इंडिया में जितनी भी नई कारें बिक रही हैं उनमें से 1% से भी कम इलेक्ट्रिक कार्स हैं। और देखिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये लिथियम ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स में यूज होती है लिथियम आयन बैटरीज और ऐसी बैटरीज बनाने के लिए इंडिया को चाहिए लिथियम, जो फिलहाल इंडिया में नहीं था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जो रिसेंट डिस्कवरी हुई है लिथियम की, इसके बाद शायद काफी चीजें बदल जाएंगी इंडिया के लिए। अब इंडिया अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोग्राम को और हैवीली पुश कर सकता है, इंडिया में लिथियम आयन की बैटरीज का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो सकता है। इस इंडस्ट्री को भी अब इंडिया में बूस्ट मिलेगा और इंडिया को लिथियम की सप्लाई के लिए अदर कंट्रीज पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। देखिए, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए लिथियम आयन बैटरीज ज्यादा इफिशियंटली काम करती है बिकॉज दे हैव हाई पावर टू वेट रेशियो और ये ज्यादा पावर डिलीवर कर सकती है व्हाइल कीपिंग द कर्व वेट ऑफ द कार लो। ये डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में भी अच्छे तरीके से काम कर सकती है, चाहे राजस्थान की गर्मी में हो या माउंटेनियस रीजन में, और ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। और अगर इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन में ग्लोबल लीडर बनना है तो लिथियम की कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई जरूरी है और अब शायद ये सप्लाई मेंटेन की जा सकेगी। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर लिथियम रिजर्व के मामले में टॉप 6 कंट्रीज की बात करें तो लिथियम का सबसे बड़ा रिजर्व है बोलिविया कंट्री में, जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पर लिथियम का अराउंड 21 मिलियन टन का रिजर्व है और इस मामले में बोलिविया पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। सेकंड नंबर पर आता है साउथ अमेरिका का ही अर्जेंटीना, यहाँ पर लिथियम के अराउंड 17 मिलियन टन रिजर्व पाए जाते हैं। थर्ड नंबर पर भी साउथ अमेरिका की एक कंट्री है चिली, और यहाँ पर है अराउंड 9 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिजर्व। फोर्थ नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट में फिलहाल 6.8 मिलियन टन लिथियम रिजर्व पाए गए हैं। फिफ्थ नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है 6.3 मिलियन टन ऑफ लिथियम। और सिक्स नंबर पर आता है चाइना। देखिए, चाइना में लिथियम के रिजर्व काफी कम है, चाइना में सिर्फ 4.5 मिलियन टन लिथियम रिजर्व है, लेकिन चाइना लिथियम प्रोडक्शन के मामले में काफी आगे है क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड में स्पेशली साउथ अमेरिकन कंट्रीज में लिथियम प्रोडक्शन के मामले में अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर ली है। लेकिन रिसेंटली इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में ये जो 5.9 मिलियन टन के रिजर्व पाए गए हैं, इसके बाद इंडिया चाइना को पछाड़कर वर्ल्ड में लिथियम रिजर्व के मामले में छठे स्थान पर आ जाएगा और चाइना का नंबर आएगा इंडिया के बाद। अब देखिए, एक और चीज काफी शॉकिंग है, और लिथियम प्रोडक्शन की बात करें, लिथियम के प्रोडक्शन के मामले में टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया,
और अकॉर्डिंग टू द डेटा 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने अराउंड 55,000 टन लिथियम का प्रोडक्शन किया था। सेकंड नंबर पर है साउथ अमेरिकन कंट्री चिली, और 2021 में चिली का प्रोडक्शन था 26,000 टन का। लिथियम प्रोडक्शन के मामले में थर्ड नंबर पर है चाइना, और 2021 में चाइना ने अराउंड 14,000 टन लिथियम प्रोडक्शन किया था। हालांकि चाइना लिथियम रिजर्व के मामले में छठे नंबर पर है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में थर्ड है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि विद टाइम चाइना ने लिथियम की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग को लेकर काफी एक्सपर्टीज हासिल की है, और वो लगातार ऐसी कंट्रीज को टारगेट कर रहा है जिनके पास फिलहाल लिथियम के रिजर्व है, एंड स्पेशली साउथ अमेरिकन कंट्रीज। और वो तीन कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है लिथियम ट्राइंगल, यानी बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चिली। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इस लिथियम ट्राइंगल में वर्ल्ड के अराउंड 50% लिथियम रिजर्व पाए जाते हैं, और इसीलिए चाइना की कंपनीज लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर अपनी डोमिनेंस क्रिएट की जाए, क्योंकि ये कंट्रीज लिथियम प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग के मामले में इतनी एडवांस नहीं है। इनके यहाँ पर सिर्फ रिजर्व है और चाइना के पास वो एक्सपर्टीज है, और इसीलिए चाइना इस चीज का फायदा उठा रहा है। रिसेंटली चाइना ने बोलिविया में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डील साइन की है लिथियम की प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग को लेकर। ऐसी भी न्यूज थी कि अफगानिस्तान में भी लिथियम के काफी बड़े रिजर्व हैं, और चाइनीज कंपनीज लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि अफगानिस्तान के उन लिथियम रिजर्व पर भी चाइना का कब्जा हो जाए। और देखिये कुछ चाइनीज कंपनीज की इस चीज को लेकर अफगानिस्तान के तालिबान के साथ बातचीत चल भी रही है। अब इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में ये जो 5.9 मिलियन टन लिथियम के रिजर्व पाए गए हैं, इससे इंडिया को एक फायदा और होगा। अब देखिए फिलहाल रिजर्व पाए गए हैं तो फ्यूचर में इंडिया इनकी प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग स्टार्ट करेगा, उससे रिलेटेड एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी इंडिया में, और जब ये चीज इंडिया में एक बार एस्टेब्लिश हो जाएगी तो इंडिया भी वर्ल्ड की उन कंट्रीज के साथ डील कर पाएगा लिथियम की रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग को लेकर, जहां पर लिथियम के बड़े भंडार अवेलेबल है। तो देखिए काफी बड़ी न्यूज है इंडिया के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।